नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 5 कोर रिलेशन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोर रिलेशन मतलब होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कोर रिलेशन इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल और जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। जैसे देखो किसी फैमिली में अगर इनकम बढ़ रहा है तो जो खर्चे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। अगर इनकम कम रहती है तो खर्चे भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, इनके बीच में रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे से क्या है, जॉइंट है। मतलब इनकम बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ेंगे, फिर इनकम कम हुआ तो जो खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, को रिलेशन कहते हैं। तो आपने को रिलेशन का मतलब समझ लिया। अब को रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव को रिलेशन, पॉजिटिव को रिलेशन कब होगा, इफ आर इज ग्रेटर देन 0। अगर को रिलेशन 0 से बड़ा आता है तो फिर आप वहाँ पे क्या बोलोगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर R इज लेसर देन 0 तब आप क्या बोलोगे, निगेटिव कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन मतलब R इक्वल होगा किसके, 0 के। समझ में आया आपको, पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, जब R ग्रेटर होगा किससे, 0 से, मतलब 0 से बड़ा होगा। उसके बाद निगेटिव मतलब क्या, जब 0 से छोटा होगा। और नो कोरिलेशन मतलब क्या, जब 0 के इक्वल में होगा, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर का क्या होता है फॉर्मूला, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए कोवेरियंस, ये जो सी ओ वी है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कोवेरियंस कहते हैं। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आप कैसे फाइंड करोगे, देखो इसके लिए भी फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/n फिर समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। अब बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्योंकि आपने ये तो समझ गए कि कैसे निकालना है, अभी आपने ये दोनों नहीं समझा है कि कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है, रूट में 1/n फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला। फिर सेकेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में 1/n, सब कुछ सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला था ना वही यहाँ पर सेम सब कुछ रहेगा, लेकिन बस इसमें क्या चेंज हो रहा है, x के जगह पे y आ जा रहा है, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालोगे तो x के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, y। देखो हमने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पर वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है ये फॉर्मूला, आप अगर जब सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप इसको समझ के रखो। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला देख लिया। अब यहाँ पर हमें एक और टॉपिक देखना है, वो क्या है, स्कैटर डायग्राम। तो देखिए स्कैटर डायग्राम की हेल्प से हम कोरिलेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या फिर निगेटिव कोरिलेशन है या फिर नो कोरिलेशन है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, देखिए जब स्कैटर डायग्राम में जो लाइन है ना वो कैसे जाएगी, लेफ्ट टू राइट राइज होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब निगेटिव कोरिलेशन कब होगा, देखिए जब आपकी लाइन लेफ्ट टू राइट फॉल होगी, नीचे की तरफ आएगी, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव समझ लिया, निगेटिव समझ लिया। अब यहां पर हम देखेंगे नो कोरिलेशन कब होगा, देखिए जब आप कोई भी लाइन यहां पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ऐसे करके आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो क्या, बताओ, कोई भी इसमें हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके, मतलब
आप कोई भी लाइन इसमें ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नो कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ही समझना है इसमें, अगर आपकी लाइन लेफ्ट टू राइट राइज होती है तब पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर लेफ्ट टू राइट फॉल होती है तो नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर आप कोई भी लाइन यहाँ पे नहीं बना रहे हो तो नो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये था बेसिक, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, ये डेटा दिया है और फिर यहाँ पर आपको क्या बोला है, देखिए ड्रॉ स्कैटर डायग्राम फॉर द डेटा गिवन बिलो एंड इंटरप्रेट इट। मतलब आपको क्या करना है, ये जो डेटा दिया है ना इसका स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है या फिर नो रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और इस पर हमने सभी नंबर्स भी लिख लिए हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब ये जो एक्स एक्सिस है ना इस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो एक्स के वैल्यूज़ है ना उनको, और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो वाई के वैल्यूज़ है ना उनको। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्केल लिखा है ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, 10 यूनिट्स लिया है। अभी हम यहाँ पर जो पॉइंट्स है ना उनको प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, 10 है और वाई का वैल्यू है 32। तो देखिए एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू 32 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 20, 20, मतलब x का वैल्यू 20 और y का भी वैल्यू कितना 20, तो कहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 30, 24, मतलब x का वैल्यू 30 और y का वैल्यू 24, तो ये देखिए 30 एंड 24 लगभग यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 40 और 36, तो 40 और 36, तो 40 तो ऐसे सीधे चला जाएगा और 36 मतलब कहाँ पर, ये देखिए 36 हम यहाँ पर ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 40 और 36 हो गया, फिर 50 और 40, मतलब x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू कितना 40, तो x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 40 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 60 और 28, तो x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 28, तो 60 फिर 28 कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद 70 और 38, मतलब x का वैल्यू 70 और y का वैल्यू 38, तो देखिए 38 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। चलिए 38 हमने देख लिया, फिर 70 सीधे जाते हैं इसके, यहाँ पर 38 और चलिए यहाँ पर मैं इसे इसको प्लॉट कर देती हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, एक बार फिर से देख लेती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया है थोड़ा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, चलिए। ठीक है, अभी हम एक लाइन खींच देते हैं, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, अभी हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है ना ये कुछ ऐसे करके जा रहा है, ये देखिए ऐसे करके जा रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलोगे कि नेगेटिव कोरिलेशन बोलोगे, देखो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये डेटा दिया हुआ है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स एक्स एंड मैथमेटिक्स वाई। मतलब ये जो एक्स है ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिक्स के मार्क्स को, और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथमेटिक्स के मार्क्स को। फिर ड्रॉ स्कैटर डायग्राम एंड स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन, आपको यहाँ पर स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर आपको बताना है कि ये किस टाइप का कोरिलेशन है। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस बना लिया है, फिर एक्स एक्सिस, उसके बाद हमने यहाँ पर स्केल लिख लिया है ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मार्क।
और अभी हम जो भी पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x कितना है, 8, y है 6, तो देखिए यहाँ पर 8 और 6 कहाँ पर आएगा, 6 और 8 ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 और 5, तो x 6 और y कितना, 5, तो 5 मतलब यहाँ पर 6, ये तो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 और 1, तो 2 और 1 ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2 और 1 कहाँ पर आएगा, ये देखिए कुछ ऐसे आएगा। आप इसको प्रॉपरली स्केल से मेज़र करके करेंगे ना तो फिर एकदम सही सही आएगा। मैंने यहाँ पे स्केल से मेज़र नहीं किया है। उसके बाद क्या है, 4 एंड 4, तो 4 देखिए यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 और 4, तो x 7 और y कितना, 4, मतलब ये देखिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगला क्या है, 8 और 7, तो देखिए x 8 और y कितना, 7, 7 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, 8 देखिए 8 और 7 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 7, ये देखिए। फिर उसके बाद 9 और 8, तो x है 9 और ये 8, मतलब 9 को ऐसे सीधे लेकर के जाते हैं, तो ये देखिए ये ना यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सभी पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ना ऐसे जॉइन करके देखते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम ऐसे जॉइन कर सकते हैं, देखिए ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अभी हम इसको ऐसे जॉइन करते हैं, देखिए आप अपनी नोटबुक में इसको प्रॉपरली मेज़र करके करिएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना ये अच्छे से ड्रॉ हो पाएगी। तो ये कैसे जा रहा है, देखिए लेफ्ट टू राइट राइज हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। एक बार मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से स्केल से मेज़र करके करिएगा, ठीक है, जो आपका ये डायग्राम है ना वो अच्छे से बनेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये डेटा दिया हुआ है और फिर यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, और फिर आपको ये भी बताना है कि इनमें कोई कोरिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें क्या क्या दिया है, एप्टीट्यूड स्कोर दिया है, फिर ग्रेड पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और फिर ये जो एक्स एक्सिस है ना ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एप्टीट्यूड स्कोर को, और ये जो वाई एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेड पॉइंट्स को, ठीक है। यहाँ पर हम स्केल लिख लेते हैं, तो देखिए स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं 10 स्कोर, ठीक है। फिर ऑन y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है हमने, 1 पॉइंट लिया है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 पॉइंट, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जो भी पॉइंट्स हैं ना उनको प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एप्टीट्यूड स्कोर में 40 और ग्रेड पॉइंट्स कितना है, 1.8। तो देखिए 40 और 1.8, 1.8 कहाँ पर आएगा, 1.8 देखिए यहाँ पर आ जाएगा, 40 ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। उसके बाद क्या है, 50 और 3.8, तो 50 और 3.8 ये देखिए यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 55 और 2.8, तो 55 मतलब 50 और 60 के बीच में, और फिर क्या है, 2.8 है, तो देखिए 55 और 2.8 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 55 यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, 60 और 1.7, तो देखिए 60 और 1.7 कहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर 1.7 आएगा, और
क्या है 60 है ना, तो 60 और 1.7 मतलब इसके थोड़ा नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है 70 और 2.8, तो 70 और 2.8 कहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर और 70 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्या है 80 और 3.2, तो 80 और 3.2, 3.2 मतलब यहाँ पर और 80 ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये जो भी पॉइंट्स है उनको प्लॉट कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्या आप यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा के पूरा देखो ना कैसे बिखरा हुआ है, आप किसको कैसे ज्वाइन करोगे, मतलब यहाँ पर ना कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो कोरिलेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका आंसर नो कोरिलेशन। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे, हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।